Hi friends, myself Dr. Shyam Kumar Gupta, MBBS MS. Welcome you all in my YouTube channel. Friends, आजकल आपने newspapers में, television में, internet पे एक बहुत ही burning topic के बारे में पढ़ा और सुना होगा. ये है National Medical Commission Bill 2019. आइए आज इसी पे हम चर्चा करते हैं कि क्या है ये bill. NMC Bill 2019 अभी अभी राज्यसभा से पास किया गया है. एनएमसी बिल 2017 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ प्रोविजन में चेंजेस के वजह से इसको होल्ड किया और दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया 2019 में. जुलाई में इसे लोकसभा से पास किया गया और अभी अभी अगस्त 2019 में इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है. क्यों ये बिल लाने की जरूरत पड़ी, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से हमें एनएमसी बिल की जरूरत पड़ी? फ्रेंड्स, हमारा पहले का एमसीआई एक्ट 1954 कई सारे करप्शन के चार्जेस में उलझ गया और गवर्नमेंट ने पाया कि ये एमसीआई काफी हद तक करप्टेड हो गई है और स्पेशली जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इनको आउट ऑफ द लॉ जाकर के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है. इसीलिए 2010 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद से ही गवर्नमेंट इस प्रोसेस में थी कि एक नया कमीशन लाया जाए जिसको कि अब हम एनएमसी बिल के नाम से जानते हैं. एनएमसी बिल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे बेनिफिट चेंजेस किए हैं और कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो हम जैसे डॉक्टर्स के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए शायद उतने बेनिफिशियल नहीं है. तो इसी पे आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये चेंजेस और क्यों किए गए. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स की स्पेशली बहुत ज़्यादा कमी है और स्पेशली रूरल एरिया में ये कमी और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है. गवर्नमेंट ने इसी के मद्देनज़र इस एनएमसी बिल में कई सारे चेंजेस किए हुए हैं. नंबर सेकेंड, गवर्नमेंट की मंशा है कि हमारे ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में पार्टिसिपेट करें और इंडिया से बहुत सारी रिसर्च मटेरियल बाहर भी पब्लिश हो. नंबर थर्ड, जो एमसीआई एक्ट की सबसे बड़ी करप्शन एक मेन वजह था एमसीआई एक्ट जाने का, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पीरियोडिक असेसमेंट होता रहे ताकि वहाँ करप्शन ना बढ़ने पाए. फोर्थ एंड द लास्ट जो गवर्नमेंट की मंशा है वो इस बिल के द्वारा एक ऐसा प्रभावी सिस्टम डेवलप करने की है जिसके द्वारा गवर्नमेंट बहुत ही इफेक्टिव वे में जो भी हेल्थ केयर में हमारी खामियां आती हैं उनको वो पहचान सके और उनको टाइमली बार बार दूर कर सके. हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैसा कि कहा कि ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल है जिसके से हेल्थ प्रोवाइडर्स और पेशेंट्स दोनों को ही बहुत बेनिफिट होने वाला है. इससे न सिर्फ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स को अननेसेसरी का बर्डन नहीं पड़ेगा, वरन हम दूर दराज के इलाकों में भी बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे. जब हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं तो इस बिल में हम कई सारी खामियां पाते हैं जिसकी वजह से हमारे जैसे क्वालिफाइड कई सारे डॉक्टर्स इसका प्रोटेस्ट या विरोध कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं क्या है वो खामियां और क्यों हम इनका विरोध कर रहे हैं. नंबर वन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन. पहले के एमसीआई बिल में जहां 75% इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, वहीं इस एनएमसी बिल में सिर्फ 20% ही इलेक्टेड मेंबर्स होंगे. बाकी के बचे हुए मेंबर्स गवर्नमेंट या तो ऑफिशियल होंगे या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स होंगे. तो हम पाते हैं कि जब इतने ज्यादा 80% ब्यूरोक्रेट्स हमारे इस बिल के द्वारा पॉलिसी मेकिंग में होंगे तो उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा. नंबर सेकेंड है इस बिल का सेक्शन 32. सेक्शन 32 कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स को एक लिमिटेड लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि वो प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में मॉडर्न मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे सके. इस प्रिस्क्रिप्शन देने से हमारे डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा विरोध है क्योंकि इस प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा हम पाते हैं कि वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं. इस सेक्शन से एक प्रावधान ये भी बनता है कि वो लोग जिन्होंने एमबीबीएस की या स्पेशलिटी की ट्रेनिंग नहीं ली है, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करके
जो हमारे ही साथी दोस्त हैं, ब्रिज कोर्स करके मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये बड़ा ही हास्यास्पद विषय लगता है, क्योंकि इस ब्रिज कोर्स से जहां न सिर्फ पेशेंट्स का स्वास्थ्य खतरे में है, वरन हमारे अधिकार भी खतरे में आते हैं। इसीलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नंबर थर्ड है एग्जिट एग्जाम या नेशनल एग्जिट टेस्ट। गवर्नमेंट की मंशा है कि MBBS फाइनल ईयर का एग्जाम, PG इंट्रेंस का एग्जाम और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम, इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ कंबाइन करके एक एग्जाम नेक्स्ट बनाया जाए, जिसके द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं एक ही एग्जाम से कंप्लीट हो। गवर्नमेंट का तर्क है कि इससे MBBS के स्टूडेंट्स का ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे और क्वालिटी सर्विसेज के ऊपर होगा, ना कि एग्जाम के ऊपर। इस बात का हमारे डॉक्टर कम्युनिटी सब भी विरोध कर रही है, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही एग्जाम से होगा तो वो क्लिनिकल नॉलेज पे क्यों फोकस करेगा? वो ज्यादातर एग्जाम पास करने पे फोकस करेगा, क्योंकि वही क्वालिफाई कराएंगे, वही उसको आगे PG की डिग्री दिलाएंगे और वही उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, सारे पूरे राष्ट्र का एक एग्जाम और वो भी मल्टीपल चॉइस के द्वारा, अगर हम क्लिनिकल सेंस को बढ़ाएं तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि हम कैसे इसके द्वारा एक ही कैटेगराइज करके एक ही एग्जाम से सारे डॉक्टर्स को MBBS की भी डिग्री दे देंगे, PG में सिलेक्शन भी करा देंगे, बाहर से लोगों को भी एंट्रेंस दे देंगे। और सपोज कई बार हमारे कई दोस्तों का एंट्रेंस में एक बार में PG में सिलेक्शन नहीं होता है, वो सेकेंड टाइम बैठना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? इस पे भी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लियरिटी या कोई अश्योरेंस हमारे दोस्तों को नहीं दिया है। नंबर फोर्थ, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। नंबर फोर्थ कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि जिस विषय को लेकर के MCI को भंग किया गया था कि हम करप्शन को कम करेंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के होल्ड को या उनकी पॉलिसीज पे हम गवर्नेंस करेंगे, उसी चीज को इस बिल में दोबारा से बढ़ावा दिया जा रहा है। MCI में जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते थे, उनकी 75% सीट्स का फीस का निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती थी। अब इस बिल के द्वारा जो भी सीट्स हमें मिलती हैं, उनका 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी मनमर्जी से फीस का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये करप्शन कैसे कम होगा? ये तो करप्शन को और ज्यादा बढ़ाने वाली और अनइक्वालिटी को बढ़ाने वाली बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि क्यों हमारे जैसे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इस NMC बिल का विरोध कर रहे हैं और क्यों वो बार बार स्ट्राइक पे जाते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपील है कि वो हमारे द्वारा उठाए गए इन पॉइंट्स को सीरियसली ले और इन पॉइंट्स को सीरियसनेस दिखाते हुए हमें ये अश्योर करे कि हमारे द्वारा जो हेल्थ सर्विसेज में जो देश की सेवा की जा रही है और जिस अच्छे ढंग से की जा रही है, हम उसे और ज़्यादा क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज बढ़ा पाएं, ना कि हम अपने ही जो अदर स्पेशलिटीज़ के लोग हैं, अदर स्पेशलिटीज़ का मतलब है कि जो पैरामेडिकल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं या यूनानी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर हैं, उन्हीं से कम्पीट करें या उनको हम अपना कम्पीटिटर बनाएं। हम चाहते हैं इस वीडियो से गवर्नमेंट ये समझे कि हम हेल्थ फॉर ऑल एंड वी कैन डिलीवर हेल्थ सर्विसेज यूनाइटेडली। थैंक यू।